गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी बजे सुबह के 6 और मैं हूँ अभी पहाड़ के ऊपर। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इधर मेरा गांव है, लेकिन पूरा गांव अभी कोहरे की चादर के अंदर ढका हुआ है। आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा, फॉग ही फॉग। और आज हम जो है इतनी सुबह सुबह यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और अगर वो एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो उस एक्सपेरिमेंट से काफ़ी लोगों की प्यास बुझ सकती है। जी हाँ गाइस, तो रात को, कल शाम को यानी कि हमने इस पहाड़ के ऊपर एक ऐसा सेटअप सेट किया है जिसके अंदर हम जो है फोग से पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। तो बस उसी के रिजल्ट देखने आया हूँ मैं, चलो आगे चलते हैं। तो गाइस यार, मुझे पूरा विश्वास है कि आज शाम का मौसम देखते हुए कि सुबह बहुत ज्यादा और अच्छी वाली ओस पड़ेगी। चलो समेटते और चलते हैं। गाइस यार, पूरे एक साल इंतजार करने के बाद फाइनली हमें वो वाली नेट मिल गई है जिसकी मदद से हम जो है पानी से, हवा से पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बीच के जो छेद होते हैं ना, रेशियो के बीच के, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। वो ना तो ज्यादा बड़े होने चाहिए ना ही ज्यादा छोटे होने चाहिए, वो इस तरीके से होने चाहिए कि जैसे ही फॉग उससे पास करे, उसे क्रॉस करे, तो हवा तो आगे निकल जाए और पानी पानी को वो एब्जॉर्ब कर ले और फिर वो पानी नीचे कलेक्ट हो जाए। ये सारा जो खेल है वो इस जाली का ही है। गाइस यार, अभी हम जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर, सारा सामान पहाड़ के ऊपर लेके जा रहे हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट पहाड़ पर ही होगा। साइड में जाके बनो, साइड में चलो। गाइस यार, ये जगह मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। एक ऐसा स्लोप चाहिए कि हवा इस तरीके से आए, टकराए और ऐसे ऊपर होके निकल जाए। देखो यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही हवा आ रही है, इससे टकरा रही है और ऐसे जा रही है। गाइस यार, अभी बजे रात के 10, बहुत ज्यादा ठंडे, लेकिन फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो लगभग लग के तैयार है। ये है फॉग कैचर। फॉग यहाँ से आएगा, इस जाली के अंदर से पास होएगा तो हवा हवा निकल जाएगी और पानी की जो ड्रॉपलेट्स है वो भारी होती है तो वो इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी। ट्रैप होके सीधा ही इसके अंदर आएगी, इस पाइप के अंदर। इसकी जो ढलान है वो इस साइड में है, तो मे भी हमारा जितना भी पानी इकट्ठा होगा वो सारा ही हमें इस बाल्टी के अंदर मिल जाएगी। इसी तरीके से सेम यहाँ पर है। और ये रहा हमारा तीसरा फॉग कैचर। अभी के टाइम में हमारे यहाँ पे 12 से, दिन के 12 से 1 बजे तक भी धुंध रहती है, तो आई होप कि हमारा जो आइडिया है वो काम कर जाए। बस सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वैसे तो रोज जो है कड़ाके की ठंड और ओस पड़ रही थी, लेकिन आज ही अभी बजे सुबह के 6 और आज ही देखो, सिर्फ आज ही ओस नहीं गिरी है। देखो किधर भी ओस नहीं है, वरना तो यहाँ पे ओस इतनी खतरनाक रहती है भाई कि आप जो है पास में भी नहीं देख सकते हो, और यहाँ पे आज ही ओस नहीं गिरनी थी। खैर चलो, चल के देखते हैं कि पानी इकट्ठा हुआ है या फिर नहीं। मुश्किल ही लग रहा है यार, ओस तो गिरी ही नहीं, पर तो हाथों की कुल्फी बन गई रही। लाला बहुत ठंड है। चलो देखते हैं। वैसे तो यार हमेशा बहुत तेज ओस पड़ती है, लेकिन आज उतनी तेज नहीं है। उतनी ओस पड़ी ही नहीं आज जितनी कि मैं सोच रहा था, हवा भी नहीं चल रही है। ये आइडिया भी अच्छे से काम कर सकता है यार। ये देखो, ये जो आयरन है इसने किस तरीके से पानी की बूंदों को एब्जॉर्ब किया। ये देखो, काफ़ी सारा पानी तो नीचे चला गया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं क्लोजली अगर आप देखेंगे तो। ये देखो किस तरीके से जो वाटर है वो इसमें ट्रैप हो रखा है। ये देखो,
गाइज मैं इन मेटल नेट्स का भी एक बार यूज करके देखना चाह रहा हूँ कि क्या इनकी मदद से भी हम हवा से पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, यानी फॉक्स है या फिर नहीं। तो गाइज यार अलग अलग साइजेस है, ये मेरे पास, मेरे को लग रहा है कि ये एक अच्छा साइज है ये वाला नेट का, ये देखो। तो गाइज इन्हें भी लेके चलते पहाड़ के ऊपर और इन्हें भी इंस्टॉल करते हैं। आ जाओ। ये रखती बाल्टी। गाइज यार इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने एक साल का इंतजार किया है। ये मेटल का नेट है, उधर आप देख सकते हैं कि उधर अलग नेट है। दोनों का ही काम करने के लिए भैया फॉग का गिरना बहुत ज़रूरी है, और एक साल का इंतज़ार इसलिए किया है क्योंकि हमारे यहाँ पर फॉग नहीं गिरती है। बताओ यार, मतलब कि रोज ओस पड़ रही थी, डेली इतनी खतरनाक ओस पड़ रही थी जिसे अपन शबनम बोलते हैं, पूरे पेड़ पौधे सब गीले हो जाया कर रहे थे। और आज हमने टॉर्च टेस्ट करने की सोची, मतलब कल रात को हमने टेस्ट करने की सोची कि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या पता इसके अंदर सफल हो जाएगा या फिर नहीं होएगा। और भाई साहब आज की रात कोई शबनम नहीं, कोई ओस नहीं, वरना डेली पड़ रही है, आज कुछ भी नहीं है। ना हुआ तो सही लेकिन बहुत ही कम। गाइस ये देखो, पानी तो इकट्ठा हुआ है लेकिन बहुत ही ज्यादा कम। ये जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे नहीं हो सकता, इसीलिए पूरे एक साल का इंतजार किया है पिछली सर्दियों से इस सर्दियाँ। अगर इस बार अच्छे से ओस गिरती है, अच्छे से फॉग आता है, तो डेफिनेटली इन नेट्स की मदद से हम जो है हवा से पानी बना लेंगे। बस यार दुआ करना कि कल सुबह या फिर पूरी रात दबा के फॉग गिरे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो यार आज यकीनन जैसी फॉग चाहिए थी वैसी गिर रही है। अभी वजह सुबह के 6 और देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये तो लाइट, अगर हम लाइट को उधर घुमा दे तब देखना क्या होता है। ये देखो गाइस बहुत खतरनाक ठंड है यहाँ पे और बहुत ही ज्यादा, बाकी आप देख सकते हैं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी देखो किधर कुछ भी आपको नहीं दिख रहा होगा। आई होप कि अभी हमारे पहाड़ पे पानी इकट्ठा हुआ होगा। चलो चलते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाइस यार आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे की साइड में आज कितनी खतरनाक फॉग है, पूरे के पूरे बादल ही चल के आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आइडिया है वो काम कर गया। ये देखो जैसा ही मैंने सोचा था, ये देखो पानी की बूंदें किस तरीके से यहाँ पे ट्रैप हो रखी है। मुझे इस पर पूरा विश्वास था कि इसके अंदर काफ़ी कुछ इकट्ठा होगा ही होगा। इधर देखो यार कितना खतरनाक फॉग आ रहा है। ये देखो हमारे राजस्थान में ऐसा नज़ारा देखने मिल जाए और चाहिए कि भैया मनाली हो रखा पूरा। गाइस इतना ज़्यादा पानी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हैं कि पानी ज़रूर इकट्ठा हो गया। ये देखो, और एक्चुअली यहाँ पे हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमने इनमें से किसी भी चीज़ की साफ़ सफाई नहीं की, इसीलिए आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो पानी है थोड़ा सा गंदा है, लेकिन चल जाएगा यार। मैंने तो पानी इकट्ठा करना था, बाकी आप देख सकते हैं किस तरीके से ओस की बूंदे इस तरह जमी हुई है। देखो पाइप पे अभी मैं हाथ फेरूंगा, देखना अब बहुत ठंडा है। ये देखो नीचे देखो हाथ से किस तरीके से, कैसे इसी तरीके से हम जो है फॉग से पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। अब आ रही है हमारी उन तीनों जालियों की, अब वहाँ चलते हैं। आ जाओ गाइस, अभी यहाँ पर फॉग कम हो चुका है लेकिन वो आ रहा है फॉग। और देखो वो देखो क्या होता है कि फॉग आता है जाता है वो हमारे यहाँ पे, बाकी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर कंटिन्यू फॉग रहता है। कम गाइस कम, ये देखो
ये देखो अभी इधर से फॉग आ रहा था, इसमें पूरा दबाव पड़ रहा है। ये देखो इसने बूंदों को किस तरीके से ट्रैप किया, ये देखो। अरे वाह, ये देखो गाइस, ये देखो छोटी छोटी सी बूंदे इसके अंदर ट्रैप हो रही है। ये देखो, ये देखो, ये आ रही है, ये देखो, ये देखो किस तरीके से फिर ये बह के सीधा ही आती है इस पाइप के अंदर। और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि वहां से थोड़ा सा ज्यादा पानी है इस बार हमारे पास, ये देखो। और अभी भी इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है, ये देखो अभी भी लाइव आपके सामने इकट्ठा हो रही है। देखो किस तरीके से जो बूंदे हैं वो गिर रही है और आपके सामने इकट्ठा हो रहा है। और इसके अंदर भी सेम प्रिंसिपल इसके अंदर भी काम कर रहा है, ये देखो। हालांकि ये वाली जो नेट से उतनी ज्यादा सफिशियंट नहीं है, प्रॉपर वो वाली जो नेट होती है जो कि ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करे या फिर निकाले, ये वो तो नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं इसमें भी सिमिलर उतना ही पानी इकट्ठा हुआ है गाइस, ये देखो। और ये पूरी रात से इकट्ठा हो रहा है इसके अंदर। और गाइस सिमिलर इसके अंदर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी इकट्ठा हो रहा है अभी भी, ये देखो, ये देखो। और ये जो पानी है बहुत ज्यादा ठंडा है गाइस। तीनों बाल्टियों को एक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने टोटल कितना पानी जो है वो इकट्ठा किया। सच बात बोलूं तो हमें नहीं लगा था कि ये काम करेगा या फिर नहीं करेगा, इसलिए हमने बाल्टियां वगैरह धोई नहीं। तो ये देखो गाइस, एक आधी बाल्टी भर के हमने यहाँ पे पानी को इकट्ठा किया है। गाइस इसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के पीछे। एक्चुअली ये वाली जो टेक्निक है यहाँ पे हमारे इस जगह पे काम नहीं आती है, वो काम आती है वहाँ पे जहाँ पे पूरे साल या फिर 6 साल के अंदर 6-7 महीने फॉग रहता है। ये देखो इस तरीके का डेंस फॉग रहता है, तो ये इस टेक्निक का वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे फॉग तो रहता है लेकिन वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है वहाँ पे। और पहाड़ों के अंदर, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं वो कुआं तो खोद नहीं सकते हैं, तो वो पानी लाने के लिए नीचे जाते हैं फिर नीचे से ऊपर आते हैं। तो उसके अंदर ये टेक्निक बहुत अच्छे से काम कर सकती है, इस तरीके की नेट्स लगा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार इस चीज़ को कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से ये टेक्निक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि हम इसे यहाँ पर भी कर पाएंगे। लेकिन फाइनली पूरे 1 साल के बाद में, भाई ऐसी बात नहीं, इसको बहुत बार ट्राई किया हमने, लेकिन इतना फॉग मिलना यहाँ पर बहुत मुश्किल काम था। तो हमारे पास फाइनली इतना पानी है, आधी बाल्टी, और इकट्ठा हो सकता है। वो देखो फॉग की पूरी लेयर आ रही है, पूरा पहाड़, पूरा जो बादल है वो चल के आ रहे हैं। थोड़ा सा उसके अंदर भी इकट्ठा हुआ है, उसके अंदर थोड़ा सा कम है गाइस। इस ये वाली जो नेट टेक्निक है ये अलग नेट होती है, रशेल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, मेरे से प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है। तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम वो जो लोहे की उसे इलेक्ट्रीफाई कर दे, यानी कि उसके अंदर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट छोड़ दे, तब भी वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, मतलब कि वो और ज़्यादा पानी को फॉग के अंदर से निकालेगी। इस टेक्निक को कहा जाता है फॉग कैचर। तो गाइस यार फाइनली भाई 3 दिन से नहाया नहीं हूं इसी ड्रेस के अंदर, आप मुझे देख रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतने, हम सब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी यकीन मानो यार, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने चक्कर में इतने प्यारे प्यारे नज़ारों का मज़ा लेने को मिल जाता है, वरना इतनी सुबह सुबह कौन बिस्तर से बाहर निकलना चाहेगा भाई। मज़ा आ गया, हाँ हाँ हाँ, जुकाम तो है लेकिन चलेगा।